हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आप सब लोगों के कमेंट्स वगैरह देख के यामा FZS 2.0 Fi वेरिएंट विथ रियर डिस्क ब्रेक। दोस्तों मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जहाँ पे मुझे बोला गया था और बताया गया था कि भाई आप यामा की जो नया वेरिएंट आने वाला है FZS में उसका कोई भी एक वॉकअराउंड बनाइए और रिव्यू कुछ दीजिए, डिटेल्स हमें चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इससे पहले कि हम लोग बाइक के बारे में बात करें, दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ऐसा एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा नीचे, जिसको आप प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। और उसके बाद में आपको बाजू में एक घंटी का बटन मिलेगा, उसको भी आप दबा दीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं बाइक के बारे में। आप बाइक के अंदर चेंजेस इंजन वाइज कुछ भी नहीं है, ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जिसके आपके मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा कि गाड़ी के अंदर कितना पावर है, कितना कैसा टायर है। लेकिन इसका जो नया जो चेंज हुआ है गाड़ी के अंदर वो है इसका रियर डिस्क ब्रेक। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे और आगे दोनों टायरों में अब इसमें डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा। और इसकी बात करते हैं चेसिस की, कि चेसी के अंदर क्या नया है। चेसी के अंदर कुछ नया नहीं है, वही नॉर्मल है पहले वाला ही। इसका जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक, और सामने का और पीछे का स्विंग आर्म जो इनका नॉर्मल पहले वाली यामा FZ में था। और ब्रेक टाइप है, दोनों डिस्क और ड्रम भी है। मतलब ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं इसमें दोनों डिस्क है, और जो पुराने वाला इससे पहले वाला वेरिएंट था उसमें आपको सामने वाले टायर में डिस्क ब्रेक मिलता था और पीछे वाले टायर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता था। लेकिन इस वाले में नया जो चेंज आया है वो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ है, और आपको दोनों ही डिस्क फ्रंट और रियर दोनों टायर में डिस्क मिलेगा। और टायर की साइज की बात करूँ तो दोस्तों टायर इसमें जो है वो है 100x80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर सामने का। पीछे का जो टायर है वो है 140x60 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। और ये लोग MRF टायर भी देते हैं, CA टायर भी देते हैं। आप देखिए आपको कौन सा टायर मिलता है गाड़ी के साथ। और सीट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पहले वाली जो पुराना वर्जन था उससे थोड़ा इंप्रूव हो गया, कंफर्ट अच्छा है। और पीछे ग्रैब रेल भी है पकड़ने के लिए, पीछे जो पिंडल बेल्ट था उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हैं इसका जो पीछे का चेन है वो पूरा दिख रहा है। तो अगर आप मिट्टी वाले इलाके में या मतलब रोड अच्छी नहीं है तो मतलब कचरा जमने का, मिट्टी विट्टी लगने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इंजन वाइज जैसे कुछ चेंज है नहीं, तो आपको मैं इंजन के बारे में बताऊं तो इसका 149 cc फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जिसकी जो पावर आपको मिलती है 13.2 bhp एट 8000 rpm मिलती है। इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है वो है 12.8 Nm एट 6000 rpm। और फ्यूल सप्लाई मतलब इंजन क्या है, कार्बोरेटर है फ्यूल इंजेक्टेड, तो ये फ्यूल इंजेक्टेड है FI जिसको बोलते हैं। और वेट मल्टीप्लेट डिस्क क्लच टाइप है इसका। और आपको इसमें 5 गियर मिलेंगे दोस्तों, और कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पीछे का टायर और सामने का टायर दोनों में डिस्क। गाड़ी की जो लुक है वो और भी स्पोर्टी हो गया। आप देख सकते हैं टैंक के ऊपर उन्होंने मेंशन किया है FZS 2.0 वर्जन। और इंजन का जो कलर है वो मैट ब्लैक में दिया गया है, मेरे हिसाब से तो ये मैट ब्लैक कलर है और पूरे इंजन को कलर दिया गया है। और ऊपर आप हाउसिंग देख सकते हैं, इसमें एकदम ब्लैक कलर दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया ये फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट है, इसमें कार्बोरेटर आपको दिखेगा नहीं इंजन के पास। और आपको सबको पता है यामा की जो इंजन क्वालिटी है, इंजन की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी है बहुत अच्छी होती है। और इसमें 5 आपको गियर मिलेंगे, वही नॉर्मल शिफ्टिंग का शिफ्टिंग पैटर्न रहेगा पुराने वाला। और यामा ये देख सकते हैं आप सामने के सस्पेंशन पर यामा लिखा है, ये दोनों तरफ लिखा हुआ है। और गाड़ी लुक वाइज थोड़ी और स्पोर्टी लग रही है, पीछे का टायर और जस्ट आप अगर पीछे का टायर देखोगे थोड़ा और भी मोटा दिखता है आपको, इससे गाड़ी में स्पोर्टी लुक आता है। और टैंक की बात करूँ तो इसमें अराउंड 12 लीटर का इसमें टैंक है। और माइलेज की बात करूँ तो माइलेज उतना ज़्यादा नहीं आता है यामा की गाड़ियों का, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आप देख सकते हैं टैंक के ऊपर इन्होंने कुछ रेडियम जैसा कुछ लगाया है ब्लैक कलर का, और ये रेडियम है क्या है ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये रेडियम फिक्स किया गया है इन लोगों के द्वारा। और आप देख सकते हैं जो सिस्टम कंट्रोल है वो फुल्ली डिजिटल है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो स्विचेस है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। ये है स्विच, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्टार्ट एंड किल स्विच है इस साइड में, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है गाड़ी की। और ये लाइट, और ये जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें 5 बटन आपको मिलेगा, और लेकिन आप लाइट को टर्न ऑफ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये BS4 वेरियंट है, और BS4 वेरियंट के नॉर्म के हिसाब से आप लाइट बंद नहीं कर सकते। तो जो लोअर बीम है वो चालू रहेगा, और आप देख सकते हैं साइड से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं स्टार्ट करके नहीं दिखा पाया क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी उन्होंने लगा के रखी है साइड, आज 1 या 2 दिन पहले ही गाड़ी डिलीवर हुई है शोरूम में। और यहाँ पे भी FZS लिखा हुआ है पीछे ग्रैब रेल के पास, और सीट काफ़ी अच्छी है, और इसमें स्प्लिट आपको ग्रैब रेल मिलेंगे पिलियन के लिए, अच्छा रहेगा बैठने का कम्फर्ट अच्छा रहेगा। और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की, जो ओवरऑल गाड़ी की लेंथ, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो है 2073 गाड़ी की mm लेंथ है।
विड्थ जो है 770 mm है, हाइट है 1050 mm और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160 mm, व्हील बेस है 1330 mm। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं उसका जो वेट है वो है अराउंड 133 किलो, क्योंकि इसमें रियर डिस्क ब्रेक भी है तो अराउंड 1 किलो बढ़ जाता है गाड़ी का वेट। बात करूं इसके माइलेज की तो आपको माइलेज अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी फ्यूल इंजेक्टेड है तो माइलेज ठीक ठाक ही आपको मिलेगा, लेकिन यामाहा की गाड़ियों का जहां तक मैं जानता हूं ज़्यादा माइलेज नहीं आता है। और उसमें कुछ खास फीचर है नहीं, जो नया कुछ दिया गया नहीं है, पुराने वाला ही है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो अगर आपको लगता है कि गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, मेरे हिसाब से तो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आप सेफ्टी के लिए रियर डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। और अगर आपको बताऊं इसका प्राइस दिल्ली का तो आपको मिलेगा 86,042, मतलब 86,042 रुपीज़ में आपको ये दिल्ली एक्स शोरूम में पड़ेगा आपको। और पुराने वाला जो सिंगल डिस्क ब्रेक था उसका आपको पड़ेगा 83,042 रुपीज़, मतलब अराउंड 3,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन आपको दोस्तों ये देखिए, इसमें सेफ्टी थोड़ी अच्छी मिल रही है गाड़ी के अंदर, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये जो नया वेरियंट है दोनों डिस्क वाला और इसमें कलर है अरमाडा ब्लू, तो ये आप ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको और कुछ जानकारी इसके बारे में आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर किसी के पास पुराने वाला वेरिएंट है गाड़ी है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गाड़ी के अंदर बुरा लगा, ताकि दूसरे लोग जो लेना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और दोस्तों मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई लोग विदाउट मतलब वीडियो को देखने से पहले ही डिसलाइक कर देते हैं, या फिर उनको वीडियो पसंद नहीं आया या फिर गाड़ी पसंद नहीं है। दोस्तों अगर गाड़ी पसंद नहीं है तो उसको डिसलाइक मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर कोई